नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रसन्नजीत और आप लोग देख रहे हैं टेक हेल्प। दोस्तों, आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक 220 वोल्ट म्यूजिकल कॉलिंग बेल सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों, इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें लेना पड़ेगा एक 225 के 450 वोल्ट कैपेसिटर और एक 470 के 1 वाट रजिस्टर। उसके बाद इस 470 के रजिस्टर को हम इस कैपेसिटर के दो पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक ब्रिज रेक्टिफायर। उसके बाद इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट को हम इस कैपेसिटर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक 2.4 वोल्ट जीनर डायोड और एक 220 UF 25 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पॉइंट हम इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट के साथ और नेगेटिव पॉइंट हम इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस जीना डायोड का एनोड पॉइंट हम इस कैपेसिटर के नेगेटिव पॉइंट के साथ और कैथोड पॉइंट हम इस कैपेसिटर के पॉजिटिव पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक UN66 आईसी। उसके बाद इस आईसी का नेगेटिव पॉइंट हम इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट के साथ और पॉजिटिव पॉइंट हम इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद देखिए, अब हमें लेना पड़ेगा एक BC547 ट्रांजिस्टर और एक 220 ओम रजिस्टर। उसके बाद इस ट्रांजिस्टर का एमिटर पॉइंट हम इस रेक्टिफायर के इस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। उसके बाद इस 220 ओम रजिस्टर को हम इस आईसी के आउट पॉइंट के साथ और इस ट्रांजिस्टर के बेस पॉइंट के साथ ऐसे सोल्डर कर देंगे। तो दोस्तों, यह सर्किट कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब हम इस सर्किट को चेक करके देखते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से आप बहुत ही आसानी से एक 220 वोल्ट म्यूजिकल कॉलिंग बेल सर्किट अपने घर पे बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज इतना ही। आप लोगों से फिर बात होगी अगले ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।